यहाँ भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आम जन परेशान है, हर जगह कहीं चोरी छिनतई डकैती सारा कुछ हो रहा है। और मणिपुर का जो घटना घटा है उससे हम सभी शर्मसार हैं और हम समो देशवासियों के मुंह पर कालिख पुत गई है। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबरों के बुलेटिन और आज हम बात करने के लिए उपस्थित हैं भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, जोहार। धर्मेंद्र सर, पूरा देश जो है वो मणिपुर हिंसा के आक्रोश से जल रहा है लगातार। चाहे बात करें देश की राजधानी दिल्ली की या फिर खलारी के केडी चौक की, बात करें रांची के फिराया लाल की या फिर बात करें बुंडू के धुरवा मोड़ की, हर जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? भारतीय जनतंत्र मोर्चा इस घटना को कैसे देखता है? हमारे भारतीय समाज को पूरी दुनिया में जो शर्मसार कर रही मणिपुर की ये घटना, क्या समाधान दिखता है इसका? देखिए, जो भी इसमें लिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी केंद्र की सरकार अक्षम है, यही प्रतीत होता है। हम बात करते हैं डबल इंजन की सरकार, वहाँ जो सरकार है उन्हीं की सरकार केंद्र में भी है, लेकिन जो देखा गया है अभी तक जो सातिर अपराधी हैं और जिस तरह की घटना घटी है, लोगों का मनोबल बढ़ा है, उनको इमीडिएट जो है ना जो भी कार्रवाई है संविधान के तहत करनी चाहिए। और इसमें केंद्र देर कर रही है और पता नहीं क्या है कि ये राजनीति एजेंडा लोग बना करके ऐसा खेला कर रहे हैं। आज हमारे झारखंड की बात ले लें, वही हाल है, विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ की जो स्थिति है इतनी दयनीय स्थिति है, यहाँ भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आम जन परेशान है, हर जगह कहीं चोरी छिनतई डकैती सारा कुछ हो रहा है। हमारे कल सीएम को यहाँ बोलना पड़ा कि मैंने प्रशासन को पूरी छूट दे रखी है, फिर भी प्रशासन क्या है, किस तरह के अपराधी हैं कि उनको रोक नहीं पा रही है प्रशासन। तो जो जिला है, मुख्यालय है, ये सब में जब तक समरसता नहीं होगा तब तक इस तरह का कार्य होते रहेंगे। और मणिपुर का जो घटना घटा है उससे हम सभी शर्मसार हैं और हम समो देशवासियों के मुंह पर कालिख पुत गई है। तो हम तो इसमें दोषी उसी केंद्र सरकार को मानते हैं जो अभी तक अपनी जवाबदेही न लेते हुए कठोर से कठोर कदम नहीं उठाई है, ऐसा लग रहा हम सबों को। तो हम तो इसमें दोषी उसी केंद्र सरकार को मानते हैं जो अभी तक अपनी जवाबदेही न लेते हुए कठोर से कठोर कदम नहीं उठाई है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सीजीआई डीवाई चंद्रचूर सर, उन्होंने भी कहा कि सरकारें कुछ करेंगे या हमें कुछ करना पड़ेगा, तो देश किस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? देश तो देखिए, यहाँ तंत्र पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, कोई किसी को मान इसलिए नहीं रहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है। वो भ्रष्टाचार के चलते सबका मनोबल बढ़ा हुआ है, सबके अपने अपने अप्रोच हैं। यहाँ जान रहे हैं कि न्यायपालिका के अंदर हम जाएंगे कुछ नहीं होने को है, हमारे ऊपर यदि किसी तरह का आरोप है हम पक्ष की पार्टी में मिल जाएंगे तो हमारा आरोप धुल जाएगा, विपक्ष में रहेंगे तो कहे जाएंगे कि हम चोर हैं। तो लोग ऐसे कर्म कांड जो करके कांड और चले जा रहे हैं पक्ष में, वो साफ सुथरे हो जा रहे हैं, यही स्थिति है। बात करेंगे अब हम आपके भारतीय जनतंत्र मोर्चा पार्टी की गतिविधियों की। आप संपर्क से समस्या समाधान के तहत रांची के हर एक वार्ड में घूमे, उसके बाद में उसकी क्या कुछ निष्कर्ष निकला और उसके बाद आपका बयान आया है कुछ दिनों पहले कि आप अच्छे खासे संख्या में यहाँ पर विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में हैं, कल आपकी पार्टी की मीटिंग होने वाली, क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, राज्य स्तरीय एक आम सभा हम लोगों ने रखा है अपने पदाधिकारियों का, पूरे जिले से लोग आएंगे और उसमें हम चर्चा करेंगे जो हमारे पास विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, वो चुनाव में किस तरह के प्रत्याशी हम उतारेंगे, क्या हम मंत्रणा करेंगे, किस तरह से हमको चुनाव लड़ना चाहिए, क्या हमारी नीति रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ एक तरफ देखेंगे तो 26 लोग एक गुट बना लिए हैं, दूसरे तरफ देखेंगे छोटे बड़े मिला के 38 लोगों का गुट बना लिए हैं। तो हम लोग छोटे हैं लेकिन हम लोगों में उत्साह है, हम लोग नए हैं लेकिन हम लोगों में दृढ़ता है। तो हम सभी जो माननीय हमारे सरयू राय जी हैं जिन्होंने दिया है हमें मंत्र संपर्क समस्या समाधान, उसको लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। गुटबाजी हर पार्टी की सबसे बड़ी समस्या होती है और भारतीय जनतंत्र मोर्चा भी जब बढ़ेगी पार्टी के स्तर पर तो इसमें भी ये समस्या ज़रूर से आएगी, तो क्या कुछ उसके लिए पहले से स्ट्रेटजी प्लान करके चलते हैं? हमारे यहाँ स्ट्रेटजी प्लान यही है
कि आप सोच समझ करके यहाँ आए, आप सेवा भाव से आएंगे तो आपके लिए स्थान है, यदि गुटबाजी के लिए आप आएंगे तो आपके लिए कोई स्थान भारतीय जनतंत्र मोर्चा में नहीं है। और भारतीय जनतंत्र मोर्चा शनय शनय धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं। उसी के तहत हम लोगों ने कल यहाँ पुराने विधानसभा के सामने गाला बैंकट हॉल में 11 बजे से कार्यक्रम रखा है जो 2-2.5 बजे तक चलेगा और उसका समापन होगा। चलते चलते अंत में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि देश की राजनीति में जो राजनीतिक परिदृश्य है वो दो ध्रुवों में बटा हुआ, एक तरफ कांग्रेस है जिसने कि एक अपना एक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को नाम बदल करके इंडिया नाम से एक नया नाम रखा है अपने गठबंधन का, दूसरी तरफ में NDA है। तो इन दो ध्रुवों के बीच में भारतीय जनतंत्र मोर्चा को आम जनता किस तरह से देखेगी? क्या कुछ मैं पूछना चाहूँगा कि क्या कुछ हटके है अन्य पार्टियों से भारतीय जनतंत्र मोर्चा में? भारतीय जनतंत्र मोर्चा हटके इसलिए है कि सभी पार्टियों को, हम राज्य की बात करें, सभी पार्टियों ने यहाँ सरकार चलाया, सभी लोगों को हमारी जनता ने देखा किस तरह लोगों ने लूटा। कभी बताया कि चूहा आ गया, चूहा दिखाने लगे, थोड़ी देर में सांप छोड़ दिया, सांप आ गया, थोड़ी देर बाद वो हाथी लेकर के उड़ गए, हाथी को लोगों ने गायब कर दिया। वही स्थिति हमारे प्रदेश की है। और प्रदेश की हालत को देखते हुए पहले हम अपने प्रदेश को बचाएंगे, उसके बाद देश को बचाएंगे, तो हम लोग फिर चुनाव में आएंगे। और चुनाव में आने के लिए जनता हमारे साथ है। युवा ठगे जा रहे हैं, महिलाओं को यहाँ आत्मसम्मान नहीं है, बेरोजगारी की समस्या किस कदर बढ़ी आप जान ही रहे हैं। तो इसलिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं और हम लोग जनहित के कार्य करेंगे। जो ध्रुव में बटी हुई है पार्टियाँ, दो धाराएँ चल रही हैं, उसमें दो धाराएँ जो चल रही हैं, हम तो बहुत छोटे हैं और अभी नए हैं, लेकिन मैंने बताया कि हमें उत्साह और उमंग और दृढ़ता बहुत है, संकल्प है हमारे पास, तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। और हम बहुत ही दृढ़ता से जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमको एक्सेप्ट करेगी और हम आएंगे। तो उत्साह बहुत ज़्यादा है भारतीय जनतंत्र मोर्चा में, और साथ ही साथ पहले प्रदेश को बचाने की योजना है, बाद में देश के लिए भी कुछ विचार सोच रखे हैं। हमारी शुभकामनाएं होंगी भारतीय जनतंत्र मोर्चा के साथ में, और देखना दिलचस्प होगा कि कल की बैठक के बाद भारतीय जनतंत्र मोर्चा किस रणनीति के साथ आम जनता का सामना करती है। रांची से अपने सहयोगी सुहेल अख्तर जी के साथ मैं अभिजय दत्त पिंटू, धन्यवाद।